दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई है, लैपटॉप आपका शटडाउन नहीं हो पा रहा है, जब शटडाउन कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद वो दोबारा से ऑन हो जा रहा है, ठीक है। देखिए इस तरीके से वो शटडाउन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, छोटी सेटिंग है वो कर लीजिए और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको आना है अपने कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर लिखिए कंट्रोल पैनल और इसे ओपन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर व्यू बाय कैटेगरी में इसे कर लेना है लार्ज आइकन पर क्लिक, ठीक है। इसके बाद आपको आना होगा पावर ऑप्शंस पे, पावर ऑप्शन लिखा हुआ है देखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है चूज़ व्हाट द पावर बटन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्लिप आ रहा है हर जगह, तो आपको हर जगह कर देना है डू नथिंग, डू नथिंग कर दीजिए चार ही ऑप्शंस में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको एक चैटिंग और करनी होगी, इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए इधर लिखा हुआ है चेंज सेटिंग दैट वी कनेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं उन बॉक्स को आपको अनचेक करना होगा, जो चेक लगा हुआ है उनको आप अनचेक कर दीजिए सभी को। इसके बाद दोस्तों आपका काम हो गया, अब आपको सिर्फ सेव करना है ना, सेव करने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार शट डाउन करके, और यहाँ पर हम करते हैं शट डाउन। और अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा टाइम लगेगा पर शट डाउन हो जाएगा। ये देखिए शट डाउन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा सेटिंग थी आपको करना था और आपका काम यहाँ पर हो गया। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।